लेकिन राजीव मैं विशुद्ध आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, बिहार की ये पॉलिटिक्स कहां जाती हुई नजर आ रही है? जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो सियासी उठापटक हमने देखी, मुख्यमंत्री वही हैं, गठबंधन बदल गया है, और ऐसे में हर पार्टी के संदर्भ में ही, और इस बदलाव का राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा लोकसभा चुनाव 2024, ये लड़ाई किसके आर पार की अब नजर आएगी? देखिए पूजा, सूत्रों की माने तो 19 दिसंबर को जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ शामिल हुए थे, और कन्वीनर पद को लेकर के उनकी इच्छा रही होगी, मिले या ना मिले, वो तो इंडिया गठबंधन वाले ये भी सोच रहे होंगे कि कन्वीनर का पद दिया होता और कन्वीनर ही अगर इंडिया का एनडीए के साथ चला गया होता तो क्या होता। खैर, जब उनको 19 दिसंबर की बैठक के बाद ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से निकलने का फैसला अकेले स्तर पर ले लिया था, आज तक जो पार्टी में उन्होंने फैसला लिया है वो हमेशा उनके बहुत करीबी लोगों को भी पता नहीं चला है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। उनके पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन बीजेपी के खिलाफ बहुत आक्रामक थे और वो लगातार आरजेडी जेडीयू के गठबंधन के पैरोकार थे, इसलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले अगले 10 दिन में उनको हटाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पद लिया। और न्यूज़ 24 पर राजीव रंजन सिंह का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथी सुकेश रंजन ने किया था, उस इंटरव्यू को देखिए तो आप राजीव रंजन लगातार 28 मिनट तक कह रहे हैं कि मैंने ही उनको पद दिया, मैंने ही उनसे कहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ले लें और महागठबंधन से अलग जाने का सवाल नहीं है। शायद उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से अपनी बातचीत दिसंबर के अंत महीने में ही पूरी कर ली थी, लेकिन श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक उन्होंने इसको गोपनीय रखा और जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म हुआ बिहार में ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया। और मज़ेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया वो नीतीश कुमार को गाली देने वाले और पानी पी पी कर कोसने वाले एनडीए के दूसरे सदस्यों को भी मानने में थोड़ी भी देर नहीं लगी। आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा और दिलचस्प लगता है जब पटना की सड़कों पर एक विधायक वाले एलजेपी के जो नेता हैं चिराग पासवान, उनके तमाम पोस्टर लगे हुए हैं जैसे कि सरकार नीतीश कुमार की उन्हीं की वजह से बनी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनके कार्यकर्ताओं में, उनके पार्टी में यह संदेश न जाए कि चिराग पासवान कहीं किनारे पर धकेल दिए गए हैं। इसीलिए उनको ज़्यादा तवज्जो देते हुए पार्टी के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने चार्टर्ड प्लेन से उनको दिल्ली से लेकर के आए। तो बीजेपी ने सारे जो अपने कील कांटे वो हमेशा से दुरुस्त रखे हैं, वो कभी हवा में रहने वाली पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जो नई बीजेपी है वो जमीन हकीकत के हिसाब से, विचारधारा, सिद्धांत सब एक तरफ, लेकिन चुनावी बिसात जीतने की रणनीति उनके बनाने में कोई तोड़ नहीं है। आप देखिए नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव से लेके पशुपति पारस, जो कि दोनों अलग हो चुके हैं, एक ही सीट पर उनका दावा है, अगर आप जीतन राम मांझी के पोस्टर्स, बैनर्स या आप होर्डिंग्स देखिए तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनवाया है, जहां मांझी वहां सरकार, इस तरह के पोस्टर बैनर आपको पटना की सड़कों पर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ये डील बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में थी, और बीजेपी को, जैसा हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में, कि अगर महागठबंधन बना रहा, क्योंकि राजनीति में अगर लगाना बड़ा ज़रूरी है, तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में और महाराष्ट्र में, इन तीन राज्यों में बीजेपी को नुकसान होना था, चाहे एक सीट का, चाहे 10 सीट का, चाहे 20 सीट का, बिहार को उन्होंने दुरुस्त कर लिया है। मुझे लगता है कि 2019 का रिजल्ट शायद उसी के आसपास या थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन बिहार को उन्होंने अपनी तरह से पूरी तौर पर दुरुस्त कर लिया है, और पश्चिम बंगाल में वो 2019 को दोहरा पाएँ, इसका पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन ना हो पाए। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है और ज़्यादातर सीटों पर, लेकिन कुल बात यह है कि ये जो कुछ भी आज आप देख रही हैं, इसकी व्यूह रचना दिसंबर के अंतिम महीने में भी, अंतिम हफ्ते में रच दी गई थी, और नंद किशोर यादव, जैसा हमारे साथी सौरभ बता रहे थे, उन्होंने कल ही विधानसभा के सचिव को नोटिस दिया है विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। संवैधानिक उसमें बाध्यता यह है कि आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, तो अब से 14 दिन, और दिलचस्प बात यह भी है कि अब से एक ही हफ्ते बाद 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसके एक हफ्ते बाद ही विधानसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि एनडीए में किसी को पसंद हो या ना पसंद हो,
विरोध हो, समर्थन हो, उसे करना वही पड़ेगा जो बीजेपी चाहेगी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का उलटफेर देखने को मिला। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त देखने को मिल सकता है कि किस तरह से बीजेपी जो चाहती है वो करके रहती है, उसने करके दिखाया भी है।